हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जमन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नो हमन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से किसी भी कॉइन को आप बाइनेंस एक्सचेंज से आप ट्रस्ट वॉलेट में आप कैसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इथेरियम से लेके, तो जो इथेरियम का जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर आप बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तरह से आपका सारे जितने भी कॉइन्स को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पर बाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा पहले से ही इंस्टॉल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बाइनेंस को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर होम पेज खुल के आ रहा है। हमको जाना है अपने वॉलेट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी कॉइन को ट्रांसफर करना है वो वॉलेट पर रखा हुआ, तो वॉलेट पर मैंने क्लिक किया। वॉलेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पॉट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके पास जितने भी कॉइन रखे होंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इथेरियम है और सिवाइनो कॉइन है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप इथेरियम को किस तरह से यहाँ पर बाइनेंस ऐप से आप ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो आपको जिसको भी ट्रांसफर करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने इथेरियम पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट और यहाँ पर आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ से विड्रॉल करके उसको ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा विड्रॉल पर। मैंने विड्रॉल पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन एड्रेस फिल करना है और जो आपका नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, और यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना है कितना आपको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी फ़ीस यहाँ पर शो होके आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये एड्रेस चाहिए, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो मैं डेस्टिनेशन तो है हमारा ट्रस्ट वॉलेट, तो मैं जाऊँगा इसको पॉज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे इथेरियम। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इथेरियम को इनेबल करके रखा हुआ है। अगर आपका यहाँ पर इथेरियम इनेबल नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर यहाँ पर राइट में आपको टू लाइन्स बनी है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ इथेरियम, तो ये आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इनेबल है, तभी वो मेरी मैन स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि इथेरियम क्लासिक यहाँ पर डिसेबल है, तो यहाँ पर मेरी मैन स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। तो अगर यहाँ पर इथेरियम आपका डिसेबल है तो उसको इनेबल कर लीजिएगा। मेरा पहले से ही इनेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैक हो जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इथेरियम है। तो मैं क्या करूँगा, इथेरियम पर क्लिक करूँगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी इथेरियम यहाँ पर 0.005397 मतलब $13 के लगभग का इथेरियम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिसीव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिसीव का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। मैंने क्लिक कर दिया तो ये हमारे पास ये एड्रेस आ गया। ये एड्रेस है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब कि यहाँ पर हमको सेंड करना है। तो यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर बाइनेंस पर जाके यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन के फिल कर दीजिएगा। जैसे ही आप फिल करेंगे तो यहाँ पर ये इथेरियम है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे ERC20 और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो फीस लगेगी, यहाँ पे लिखा हुआ 0.008 इथेरियम हमारी फीस लगेगी। तो अब हमको यहाँ पर फिल करना है अमाउंट कि आप कितना विड्रॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आप मैन्युअली फिल कर सकते हैं, यहाँ पर मैक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। मैक्स पर मैंने क्लिक कर दिया तो इतना हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना हो गया और यहाँ पर हमारी जो फीस है वो लग जाएगी 0.008। तो रिमेनिंग इतना मिलेगा हमको 0.0892, इतना इथेरियम हमको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम नीचे विड्रॉल पर क्लिक कर देते हैं। ये हमारा सारा एड्रेस आ चुका है, तो हमको यहाँ पर एक बार वेरीफाई करके कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको अभी हो सकता है स्क्रीन यहाँ पर ब्लैक दिख रही होगी क्योंकि ये प्राइवेसी पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, वेरीफिकेशन कोड यहाँ पर फिल करना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए। तो मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल पर OTP आएगा, तो OTP वहाँ से आपको यहाँ पर फिल कर देना है और उसको सबमिट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर मैंने OTP फिल कर दिया, सबमिट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है कि अवेटिंग अप्रूवल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड हो चुका है। यह अब हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग बैक होके देख, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इथेरियम का विड्रॉल लगाया हुआ, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। हालांकि ये यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखा रहा है लेकिन ये एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर भी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा कि ये प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे देख सकते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से मुझे मैसेज आ चुका है कि यहाँ पर रिसीव्ड 0.0892 इथेरियम। ठीक है, तो ट्रस्ट वॉलेट में हमको रिसीव हो चुका है।
यहाँ पर भी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। तो मैं टेस्ट बैट पर चलता हूँ और इसको बैक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर $13.58 का हमारे पास इथेरियम है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इथेरियम है पहले 13 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अब यहाँ पर हो गया $239 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इथेरियम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतना इथेरियम रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी कॉइन को बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाए हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली क्वेश्चन ऐसे करने को मिलता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।